तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, नागपुर से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं नागपुर के मीठा नीम शरीफ दरबार पे, और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो फूल और चिन्नियों की जो दुकान थी, अभी लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए खुला था, एक हफ्ते के बाद में फिर से यहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है। और इनके अभी हालत क्या है लॉकडाउन के कारण, इनके धंधे पे क्या असर पड़ा है, और ये अपना घर परिवार कैसे पाल रहा है, कैसा इनका रोजी रोजगार का मसला है, तो हम जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए भाई जाना। हाँ, आपकी काय की दुकान है यहाँ पर? दुकान है हमारी, फूल की दुकान है। तो अभी जैसा कि आम दिनों में आपका धंधा कैसा होता था? आम दिन में कहते चटनी रोटी चलती थी, लेकिन अभी 4 बजे का जो टाइमिंग दी है गवर्नमेंट ने, अभी तो पूरा ही पूरा बंद हो जा रहा है सर। अभी परिस्थिति बड़ी ख़राब है धंधे पानी की। 4 बजे तक तो पब्लिक आती नहीं, ठंडे ठंडे टाइम पर आती है पब्लिक, लेकिन दरगाह भी नहीं खुला है तो पब्लिक भी नहीं आ रही। हमारा व्यवसाय पूरा डूब चुका है। अरे 1.5 साल से कैसी भी हमारी जो जब चटनी रोटी चल रही थी पूरा बंद हो गया 1.5 साल से। अभी खाली पीली दुकानदारी की एक आस थी कि लॉकडाउन खुलेगा हमारा कुछ व्यवसाय होगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत परिस्थिति ख़राब चल रही है हमारी। हमारी फूल की दुकान है मिठाई दरगाह के सामने, तो बहुत तकलीफ वाला काम चालू है अभी। गवर्नमेंट से गुजारिश है हमारी कि हमारे बारे में कुछ पूछा जाए। फुटपाथ पर जो हम दुकानदारी लेके बैठे हैं, तो हमारी परिस्थिति, हमारे बाल बच्चों को भी तकलीफ वाला काम है। अभी आपका घर परिवार कैसा चल रहा है? कोई तकलीफ में चल रहा है अभी, कंट्रोल के बाद अनाज जो खा रहे हैं उसी में चल रहा है, कुछ नहीं। नमक चटनी दाल रोटी के वांदे है अभी, बहुत तकलीफ वाला काम है। कर्जा कर्जा चल रहा है, कर्जा बजाजी कैसा घर चल रहा है। अभी लॉकडाउन और आगे अगर बढ़ता है तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो भूखमरी की जिंदगी हो गई, और भूख पर अभी कैसा भी संभल गया लेकिन मर जाएगा इंसान। भूख से परिस्थिति बहुत खराब होने वाली है। हमारे बाल बच्चे ना पढ़ रहे लिख रहे, ना कुछ, हर चीज़ पर तकलीफ आ गई है। तो आपको प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद ना दरगाह खुली, अभी तक हमारी दरगाह मिठाई शरीफ बंद है, ना दरगाह खुली है, ना हमारा कोई व्यवहार है, ना कुछ है। बहुत तकलीफ वाला काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए आप? बंटी काम। आप बताइए, आपकी काय की दुकान है यहाँ पर? हमारी फूल की दुकान है यहाँ पे। हाँ, अभी क्या स्थिति है आपकी? स्थिति से ऐसा है कि धंधे पानी सब बंद है, अभी दरबारी बंद है, तो उसके वजह से हम लोग करना क्या था। 4 बजे का कुछ समय देखे रखे, पब्लिक आती है शाम में, पब्लिक आती है, उसके बाद में कैसा धंधे रहते हैं, 4 बजे के बाद में लॉकडाउन हो जा रहा, पुलिस वाले आ जाते हैं। हाँ जी, तो बंद करना पड़ता हमको दुकानदारी। गुरुवार के दिन टाइम भी दे रहे थोड़ा सा, एक गुरुवार के दिन थोड़ा समय दे दिए तो हमारा तो निकल जाता हफ्ते में एक दिन, बाकी दिन तो बोनी नहीं होती हमारी। तो आपने प्रशासन में ऐसा कुछ ज्ञापन दिए गया कि भाई हमको कुछ समय दे दीजिए गुरुवार के दिन एक दिन का समय? अभी दरगाह ही नहीं खुले तो हम क्या करेंगे, वैसे भी हम लोग बैठे हुए यहाँ पे। अच्छा, घर परिवार कैसा चल रहा है ये समझ में नहीं आता। तो आगे अगर से लॉकडाउन लगेगा तो परिस्थिति तो और समझ खराब हो जाएगी, तो आपका कारोबार फिर बंद होने के कगार पे आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या काम करेंगे आप? तो टोटली बंद है ना हमारा, हम क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा ना। अब तो 25 साल से तो हम यही काम कर रहे हैं ना, दूसरा तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। तो आप ऐसा प्रशासन से ऐसी मदद की क्या उम्मीद रखते हैं? बस सरकार का दरबार खुल जाए, हमारी दुकानदारी रोजी रोटी से लगे रहे हम लोग। हमारे अकाउंट में आपको प्रशासन से कोई मदद की उम्मीद नहीं है, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि मीठा नीम शरीफ का दरबार खुल जाए, तो आपकी चटनी रोटी कैसे भी रोज मसला की जिंदगी चले। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए आप? शाहिद रजा शेख। हाँ, आपका क्या कारोबार है यहाँ पर? हमारी पान की शॉप है यहाँ पे। हाँ, और पुलिस वाले जो है अभी 4 बजे का टाइमिंग दिए गए तो 3:30-4 बजे हमको उठा देते हैं, पूरा मतलब रवि मत बोलते यहाँ पे। बहुत तकलीफ हो रही है हमको, अभी ऐसा रोज़गार भी नहीं है, हमारा यही दरबार में हमारा रोज़गार है, और पुलिस वाले ऐसे हमको बंद करते रहे, टाइमिंग भी नहीं दे रहे, जैसा थोड़ा राहत दिए शाम तक, क्योंकि यहाँ पब्लिक शाम को ही आती है अभी गर्मी के सीज़न में भी, तो कोई कारोबार चल नहीं रहा है। पुलिस वाले भी कल भगा दी, कल भी पुलिस बहुत तंग कर रहे हैं, पुलिस वाले बड़ी पुलिस स्टेशन वाले हमको। बाकी 4 बजे का तो समय पूरे नागपुर में दिया, पूरा महाराष्ट्र में दिया गया, तो आपको स्पेशल तो मतलब समय पर्सनल अलग से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, आपको समय के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, कानून का पालन भी करना पड़ेगा। वो तो कानून का पालन कर ही रहे हम लोग, पर पुलिस वाले कैसे यहाँ पर कभी भी आ जाते हैं, बंद करो, और बहुत तकलीफ देते हैं। यानी 4 के पहले ही आके आपको परेशान किया जाता है? तो आप ऐसे प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे कि जो आपको पुलिस परेशान कर रही 4 के पहले आ रहे हैं? यही गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द मतलब दरबार खुले और हमको थोड़ी राहत दे, दुकानदारी चलाने के लिए तंग ना करें हमको पुलिस वाले,
तो आपके पढ़ाई भी करते हो क्या? हाँ पढ़ाई भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं। अभी ऐसा है पैसा ही नहीं है, कहाँ अपन क्लासेस लगाएंगे, कहाँ ट्यूशन जाएंगे, पैसा ही नहीं है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमको। गवर्नमेंट भी कोई मदद वदद नहीं कर रही है ऐसे अकाउंट में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई मदद वदद भी नहीं मिल रही है हमको। आपका रहना कहाँ है? यहाँ पर आपकी दुकान है क्या? आने जाने खर्चे की नहीं दुकान है, फूल की दुकान है। तो आप रोज आना जाना करते बस से? तो आपको बस का टिकट कितना लगता है आने जाने का? 16-16, 32 रुपए लगता है। और यहाँ पर अभी लॉकडाउन की स्थिति है, और तो इसमें आप अभी कितना पैसा कमा रहे हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है, बाबा का आया पैसा तो खा लेते हैं, सो जाते हैं। पैसा नहीं रहने के कारण आप अपने गांव भी वापस आना जाना नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है लोग दे देते हैं, वही खा के आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अभी आप आगे भी और लॉकडाउन लगने की अगर स्थिति रही तो ऐसे में आप क्या करेंगे अम्मा? कब तक आप यहाँ पर पढ़ रहेंगे? अपने गाँव क्यों नहीं चले जाते आप? गाँव जाएंगे ना, आना जाने की पुरात है क्या? आज 50 साल हो गए ना यहाँ काम कर रहे तो। 50 साल से आप यहीं पर ही हैं? हाँ फिर दुकानदारी 50 साल हो गए ना यहाँ है तो 50 साल से आप ये दुकानदारी के भरोसे अपना घर परिवार पालते थे। तो अभी क्या क्या दिक्कतें हो रही है आपको लॉकडाउन लगने के बाद में, आपका धंधा बंद होने के बाद में? खाने के वादे है ना अपने, गुरुवार के दिन हो जाता है उसमें मुझे गुजारा करो, क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं लड़की। तो आपको सरकार की तरफ से आप एक जो महिला है आपको कोई मदद नहीं मिल रही क्या? नहीं कोई नहीं देता मदद, नहीं कुछ। ठीक है अम्मा, ये थी अम्मा जो यहाँ पर बाहर गांव से आती है, और इनका 32 रुपये बस का किराया है। अभी हालत ऐसी होगी लॉकडाउन लगने की वजह से कि इनका धंधा कुछ चल नहीं रहा, और ये यहीं पर ही लोग जो प्रसाद देते हैं वो प्रसाद खाकर यहीं पर ही अपना टाइम पास कर रहे हैं और यहीं पर ही सो जाते हैं। नागोराव कामड़े मेरा नाम है। आपकी क्या चाय की दुकान है यहाँ पर? चाय नाश्ते की दुकान है मेरी वाली। हाँ जी, अभी दरबार बंद होने के कारण क्या चाय नाश्ता भी बंद हो गया है, और एक तो 4 बजे प्रशासन आके बंद करा दी, 4 बजे बंद करो उसके बाद में लॉकडाउन है करके। तो आपके चाय नाश्ते के अलावा और कोई दूसरा बिजनेस कोई धंधा है क्या? और कोई बिजनेस नहीं है, बस उसी के भरोसे घर चल रहा है, 3 बच्चे हैं मेरे। तो फिर आप परिवार को कैसा मेंटेन कर रहे हैं, कैसा आप परिवार का खर्चा कर रहे हैं? अब यहाँ दरगाह खुला था तो पब्लिक आते जाते रहते थे, चाय नाश्ते का धंधा हो जाता था, उस हिसाब से मेंटेन हो जाता था। अभी तो बिल्कुल मेंटेन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो दिन भरे में अभी 4 बजे तक की कोई धंधा तो रहता ही नहीं, पब्लिक रहती ही नहीं धूप में। 4 बजे के बाद पब्लिक आती है तो उस वक्त में लॉकडाउन हो गया है, इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है, खाने के लाले पड़ गए हैं, बच्चों की काफ़ी किताबों के पैसे नहीं है। अरे बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है आपका, घर भी परिवार भी आपका सही ढंग से नहीं चला पा रहे आप, तो ऐसे में आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं आप? प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं, जैसा कि अभी ऑटो चालक को वगैरह जैसा मजदूरों को जो 7,000 रुपये 6,000 रुपये दिया जा रहा है महीने का, उसी तरह जैसे हम लोगों को भी अगर किया जाए कुछ तो कुछ हो सकती है मदद। पहले जो फुटपाथ के जो छोटे मोटे व्यापारी है जो दुकानदार है, तो आप प्रशासन से ये गुहार लगा रहे कि इन छोटे मोटे फुटपाथ के दुकान वालों को भी गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से कुछ पैसों की मदद मिले? पैसों की मदद मिले तो मदद मिल जाएगा, तो हो सकता है कुछ आगे बढ़ जाएंगे, बहुत चल के तो बहुत तकलीफ वाला काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हम खड़े थे मीठा नीम शरीफ में, नागपुर के मीठा नीम शरीफ दरबार में। तो यहाँ पर हमने ये छोटे मोटे जो दुकान वाले हैं इनसे हमने जाना कि इनकी अभी स्थिति क्या है लॉकडाउन लगने के बाद में, क्या परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, इनका परिवार कैसा पड़ रहा है। कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनका स्कूल का खर्चा नहीं उठा पा रहे, घर का भी खर्चा नहीं चल रहा है। और एक बूढ़ी अम्मा थी यहाँ पर, वो तो यहाँ पर 50 साल से मतलब अपने फूलों की दुकान लेके बैठी है, और बाहर गाँव से आती है, रोज़ आना जाना करती, बाकी लॉकडाउन लगने के बाद में उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो अभी बाहर का बस का किराया देने लायक नहीं। यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उन्हें एक प्रसाद के तौर पर मतलब दिया जाता है, वही खाकर अपना वक्त गुजार रही है, और यहाँ पर दरबार के सामने फुटपाथ के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। नागपुर से मैं अब्दुल शेख।